नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका बड़ी खबरों में। सोशल मीडिया ने खबरों में तहलका मचा रखा है, वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आखिर कहां का है ये वीडियो, पीएम मोदी क्या कर रहे हैं इस वीडियो में? अगर आपने पीएम मोदी का नया वीडियो नहीं देखा तो ये देखिए। देखा आपने वीडियो, आखिर क्या है इस वीडियो में? इतने रिटेक तो कोई एक्टर भी नहीं लेता जितने ये पीएम ले रहे हैं। पीएम है और भी इससे पहले पीएम रहे हैं, आखिर उनका प्रचार आपने कभी ऐसे देखा? पीएम जहां जाते हैं वहां प्रचार करते हैं, जहां जाते हैं वहां प्रचार। अपनी माता के पास जाते हैं, पैर छूते हैं, खाना खिलाते हैं तो प्रचार। नोटबंदी के लिए अगर इनकी माता लाइन में लग जाती है तो उसकी फोटो वायरल हो जाती है। इसके अलावा अगर ये सड़कों पर जाते हैं और वहां से कूड़ा उठा लेते हैं तो उसका प्रचार। समुद्र किनारे वहां पे थैला उठा लेते हैं तो उसका प्रचार। मतलब खबर से ज्यादा ही प्रचार कर देते हैं। जरा सोचिए कि आखिर ये इतना प्रचार क्यों करते हैं। नीतियों से ज्यादा हमारे पीएम प्रचार में नंबर वन है। अब इनका एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर ये कोई इनके सामने आ रहा होता है और उसे ठीक से आने के लिए कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि सामने कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, वो दोनों खड़े हैं और पीएम उसे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे आना है। पीएम है या फिर डायरेक्टर, सोच में पड़ जाते हैं लोग कि आखिर ये इतना कर कैसे लेते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने सड़कों पे देखे होंगे। मैं उन नारों की बात नहीं कर रहा, मैं उन वादों की बात नहीं कर रहा कि सबका साथ सबका विकास, काला धन वापस, 100 दिन में सारे पैसे वापस, सारा भ्रष्टाचार खत्म, 15 लाख आ गए, किसानों की दुगनी आए, महिलाओं की सुरक्षा। मैं इन तमाम मुद्दों पर नहीं जा रहा, मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं जो प्रचार होता है, जो बीजेपी प्रचार करती है, मोदी सरकार प्रचार करती है। कितने सड़कों पे आपने होर्डिंग्स देखे, मोदी सरकार की यात्राएं, पीएम मोदी की यात्राओं पर इतना खर्च होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे में ये प्रचार करना ही शायद पीएम मोदी की असली ताकत है, क्योंकि वो खबर से ज्यादा प्रचार जब कर देते हैं। इतना प्रचार आखिर कौन करता है? शायद इतना प्रचार, अगर इतना काम देश के लिए कर लिया हो तो शायद ये अग्निपथ के जो अग्निवीर है ना, ये आज दे सड़कों पर नहीं होंगे, ये आज गाड़ियां नहीं फूंक रहे, ये आज ट्रेनों में आग नहीं लगा रहे होते अगर सही तरीके से इनके लिए योजना लाई जाए। अग्निपथ के सारे वीर, हमारे अग्निवीर आज सड़कों पर है और पीएम मोदी प्रचार में लगे हुए हैं। जरा देखिए प्रचार आखिर क्यों हो रहा है। इसे देख के आपकी सिंपति लेंगे, इसे देख के आपका मन मोह लेंगे और आपसे वोट देने की अपील करेंगे, फिर मन की बात में आएंगे और फिर अब्बास का जिक्र करेंगे। अब इनका दोस्त भी निकल आया है। जरा सोचिए कि आखिर ये सब क्यों होता है। क्या आपके लिए लाभदायक जो भी कोई योजना है, क्या आपके लिए लाभकारी है? देश का हर युवा इस योजना के खिलाफ है। आखिर कौन है जो इस योजना के समर्थन कर रहा है, आखिर कौन है जो इस योजना के पक्ष में है? बीजेपी नेताओं और अन्य भक्तों के अलावा किसी का वीडियो आपने देखा? तमाम छात्र इस योजना से गुस्साए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर 4 सालों के लिए ही क्यों, हमें जिंदगी भर क्यों नहीं? पूछिए उनसे जिन्होंने परीक्षा दी है और पास किया है और अपने सेना में जाने के लिए सपने संजोए हुए हैं। जरा पूछिए उन छात्रों से, उनके माँ बाप से पूछिए जो सपना देखते हैं कि हमारा बेटा आर्मी में जाएगा, सेना में भर्ती होगा, क्या वो 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएगा? पिता नौकरी करते रहेंगे और बेटा नौकरी करके रिटायर भी हो जाएगा। जरा सोचिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लाएगी? ऊपर से इनके मंत्री, इनके नेता ऐसा बयान देते हैं कि जब भारतीय से अगर बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये अपमान नहीं तो और क्या है साहब? जो जवान, जो इस देश का असली हीरो है, जो सरहद पे जाके इस देश की रक्षा करता है, उसे आप सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल करेंगे? सोचा जाए। दूसरा वीडियो एक कांग्रेस नेता अलका लांबा का है, ये वीडियो देख रहे हैं आप। इसमें कांग्रेस नेता अलका लांबा रो रो के दुहाई दे रही है, दुहाई दे रही है सरकार की, दुहाई दे रही है सरकार की योजनाओं की, जो सरकार योजना लाई है अग्निवीरों के लिए। सारे देश में मुद्दा गर्म है अग्निवीरों का, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर अभी कोई भी एक ट्वीट तक नहीं किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं जहां भी मुझे जानना होता है जहां का हाल, मैं वहां पे ड्रोन भेज देता हूं। पूरे देश में हल्ला मच रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी का ड्रोन दिखाई नहीं दिया। आप सोच सकते हैं पीएम मोदी का ड्रोन कहां है? पूरे देश में कोहराम मच रहा है, बच्चे रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो गलत बात है, लेकिन आपने अभी तक एक बयान नहीं दिया।
पीएम मोदी के पास क्या इतना टाइम नहीं है कि इस देश के युवाओं को समझाने के लिए वो एक ट्वीट करें? जब इस देश में आग लगी है, इस देश में बवाल मचा हुआ है, हर युवा, हर नौजवान जो भारतीय सेना में सपना देखता है, ऊपर से ऐसे आरोप कि वो विपक्ष उनको भड़का रहा है, विपक्ष की पार्टियां उनको भड़का रही हैं, उनमें आग लगा रही हैं, ये सोच के कि मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया जाए। अरे जरा सोचिए साहब, वो बच्चे हैं, 20-20 साल के बालिक हैं, क्या वो इतनी समझ नहीं रखते कि 4 साल के बाद उनका क्या भविष्य होगा? 4 साल के बाद वो किससे नौकरी मांगेंगे? 4 साल के बाद वो नौकरी ढूंढेंगे तो वो पहले ही क्यों ना नौकरी ढूंढ लें? सोचिए साहब। और इस देश का युवा बेकार नहीं है, इतना दिमाग हर कोई रखता है कि उसे पता है कि मेरे अच्छे बुरे का क्या है। लेकिन बीजेपी सरकार है जो अपनी मनमानी से बिल्कुल भी गुर्रेज नहीं करती। कभी पीएम प्रचार में लग जाते हैं तो कभी पूरे देश के छात्र युवा जो कि सड़कों पर हैं कोहराम मचा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। कहाँ है वो पीएम मोदी जो हर रोज आते थे और मन की बात कहते थे और देश का हाल सुनाते थे? क्या उन्हें देश में नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा जो इस देश का भविष्य है वो आज सड़कों पर है, सड़कों पर कैसे बवाल काट रहे हैं, कैसे मांग कर रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि अगर पेंशन काटनी है तो अपने नेताओं की काटें, एमपी एमएलए की काटें, हमारी तनख्वाह ही कितनी होती है, क्या हमसे ही काटना है? सोचिए साहब, और सोच के बताइए कि ये सरकार कहाँ ले जा रही है। कहाँ है आपके लिए बेरोजगारी के मुद्दे? कहाँ है आपके लिए शिक्षा के मुद्दे? कहाँ है आपके लिए स्वास्थ्य के मुद्दे? मेरा सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा, कहाँ है वो तमाम वादे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, जो आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं? सरकार उन पे बात करे? सरकार बात करती है कि इस देश में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई? सरकार इस पे बात करती है कि कितनी गरीबी रेखा से ऊपर आई? सरकार इस पे बात करती है कि कितने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए? सोचिए, सोचिए कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है और आपको क्या दे रही है। ऊपर से इनके नेता जो ऐसा बयान देते हैं जिससे और आग फैलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें जो सरकार तक पहुंचे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।